नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति नेचर में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नसों की कमजोरी के इलाज के बारे में। नसों की कमजोरी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उसके कुछ कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले और पास में दिया गया बेल आइकन को भी दबाए ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग मांसपेशियां यानी कि नसें होती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। नसों की कमजोरी को मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहा जाता है। इस स्थिति में शरीर की कुछ नसें कमजोर हो जाती है। ऐसे में कुछ लोगों को यह कुछ सीमित तक रहता है, लेकिन कुछ लोगों को यह स्थायी रूप ले लेता है। पर प्रभावित नस से संबंधित शरीर का अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में इलाज करने के लिए डॉक्टर से इलाज करवाने की जरूरत होती है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है तो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर नसों की कमजोरी को ठीक किया जा सकता है। नसों की कमजोरी पर सामान्यतः लक्षण चुभन या गुदगुदी सी भावना, सुन्नपन, झंझनाहट सी लगना, दर्द, थकान, झटके लगना, स्मरण शक्ति घट जाना, चक्कर जैसा महसूस होना, नसों में दर्द या फिर हल्का सा सूजन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। नसों की कमजोरी दूर करने के लिए अश्वगंधा, सतावर, बाहीपत्र सबको सम मात्रा में मिलाकर मिक्स करें। अब उसका आधा गोकसूर तालमिश्री मिलाकर मिश्रण को तैयार कर ले। उपयोग के लिए आप सुबह और शाम को दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा आप कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से नसों में रक्त की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नसों की कमजोरी के चलते किसी हिस्से में दर्द या फिर सुन्नपन सा लग रहा है तो सरसों और फुदीने का तेल नसों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसको हल्का सा गर्म कर दर्द वाले हिस्से में हल्के हाथों मालिश करने से आपको निश्चित रूप से राहत मिल जाएगी। दर्द और सूजन जैसे मामलों में गर्म सिकाई काफ़ी आराम प्रदान करता है। सिकाई नसों में दर्द को कम करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। गर्म सिकाई से तंत्रिकाओं को काफ़ी आराम मिलता है। सिकाई के लिए उपयोग में लिया गया हल्का सा गर्म पानी में नमक डालकर किसी कपड़े या फिर आप पट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।